क्या कर रहा है क्या कर रहा है, चल भाई डांस डांस। ये बताओ, चलो मैं तो हल्द्वानी से जा रहा हूँ वापस घर, एसी आ गया भाई पूरा, मैं तो इससे हैरान हो गया, मैं अपनी गाड़ी को ना थार की तरह समझ रहा हूँ आजकल, थार की तरह। हेलो यूट्यूब फैमिली, वेलकम टू माय न्यू व्लॉग, और मैं हूं तुम्हारा भाई अंशुल रस्तोगी द सस्ता व्लॉगर। तो आज के व्लॉग काफी मजेदार होने वाले हैं, और आज के व्लॉग में पता है मैं हल्द्वानी छोड़ के जा रहा हूं, मैं जा रहा हूं सिद्धारगंज, मैं वापस शिफ्ट हो रहा हूं अपने घर पे ड्यू टू सम रीजंस, ठीक है। और बारिश वगैरह भी काफी हो रही है, तो आप देख सकते हो प्रॉब्लम है, तो देखते हैं अभी मैं कैसे शिफ्ट करता हूं। बाकी सामान वामान पैक करना है, बहुत सारा काम है अभी, और वैसे भी मेरे पास ओम आ रहा है क्योंकि मुझे ओम को डेटा देना है, तो अभी मैं नहाता धोता हूँ, फ्रेश होता हूँ, एकदम रेडी होता हूँ, और ओम को डेटा देते हैं, थोड़ा बाहर घूमते फिरते भी हैं, कुछ दोस्त वगैरह मिलेंगे तो देखता हूँ अगर मैं टाइम मिला मुझे, और वरना फिर सामान वगैरह पैक करते हैं, गाड़ी में भरते हैं और जाते हैं घर। तो शुरू करते हैं आज का ब्लॉग, और प्लीज़ चैनल सब्सक्राइब कर लो, ठीक है, और लाइक कमेंट जरूर करना ब्लॉग देखिए, और मेरे बाकी ब्लॉग्स भी देखना। तो शुरू करते हैं आज का ब्लॉग। तो ये है मेरा कैमरा, और यहाँ पे ओम आ चुका है, आप देख सकते हो, ये देखो कैसा है भाई। बहुत बढ़िया होगा गाइस, मैं साइकिल से आया हूँ। साइकिल से आया है? धूप में आया हूँ, पसीना बहा के आया हूँ, ठीक है। अच्छा एक ये बात तो बता, ये जो तूने पहना है ये और एक बार इधर आ, सुन भाई एक चीज बताता ना तेरे बारे में, ये इधर को देख, ये देखो शक्ल मोमो वाली नहीं लग रही थी। तो अभी वहाँ मैंने कैमरा रेडी कर दिया है, इसको भी डेटा ट्रांसफर करते हैं, और वैसे कि लैपटॉप भी लाया है क्योंकि अभी मेरा कंप्यूटर नहीं है ना, वरना मैं उसी से डेटा दे देता इसको, तो इसके लैपटॉप में डाल दें आज डेटा। क्या कर रहा है क्या कर रहा है, चल भाई डांस डांस। 150 रुपए देगा रे, ऐसा ही होता है जब एक निब्बा होता है ना, वो एक अच्छे यूट्यूबर के पास आ जाता है, तो वो ऐसे ही हो जाता है भाई, सिस्टम चलता है निब्बे नहीं हम, ठीक है, सिस्टम चलता है, सिस्टम चलता है, इसका लैपटॉप तक तो खुल नहीं रहा है ठीक से, सिस्टम चलाया भाई। मैंने अभी इसमें से सारा डेटा इसके फोन में डाल दिया है, और ये यहाँ पे भटक रहा है आराम से आराम से। तो यार ये है मेरा सिल्वर प्ले बटन, आगे मैं लेके जा रहा हूं। अच्छा नाम तो देखा सिल्वर प्ले बटन में, चल ले जा ले जा, मैं ये लैपटॉप और आईफोन मेरा, नहीं ओम पे मैंने चलाया ट्रिमर। तो हमारे पास यहाँ एक निब्बा है जो हैंडपंप देख के एक्साइटेड हो गया भाई, ये वो हैंडपंप नहीं है जो सनी देओल ने गदर पिक्चर में निकाला था, सख्त लौंडे सख्ती से रहते अपनी। अच्छा ओ भाई हैंडपंप से पानी आ रहा है भाई, मजा आएगा फिर क्या। तो फटाफट से ना गाड़ी में बैठ के चलते हैं भाई, काम भी हो जाएगा, और थोड़ा गाड़ी में बैठ के चलते नहीं है, गाड़ी में बैठ के जाते हैं कहीं पे, गाड़ी में बैठ के चलता कौन है। क्या यार तो गाड़ी में बैठ के चल भी देते हैं, दौड़ भी देते हैं, सब कर लेते हैं। क्या यार बेकार आदमी है यार तू, बेकार आदमी भाई। मौसम तो हवा अच्छी हो रही है वैसे आज, हवा अच्छी हो रही है यार, पंखे। ये देखो एक और कैमरा निकल गया, एक और कैमरा निकल गया यहाँ पे, व्लॉगिंग कर रहे हैं, व्लॉगिंग व्लॉगिंग चल रही है यार, फुल व्लॉगिंग चल रही है। आंखें तो खोल अच्छे से पहले, यार मैं एक ट्रिक बता रहा हूँ, देखो ओम को कोई भी प्यार से थप्पड़ मार सकता है, बड़ी प्यार से उसे पता भी नहीं चलेगा, इसको एक जोक सुना दो, ये जैसे ही हंसेगा ना इसकी आंखें बंद हो जाएंगी, तभी एक चट चट लगा दो, इसे पता भी नहीं चलेगा किसने मारा अभी। चोली के नीचे क्या है, चोली के नीचे ये चाइनीज, चाइनीज बोल रहे हो क्या, अबे मेन्यू में बोल रहा हूँ क्या खाएगा चाइनीज, तुझे कैसे चाइनीज कह सकता हूँ भाई, है यार तो मेरा यार जिगरी यार, कैसी बात कर दी यार तूने इधर को। अच्छा मेरा सिस्टम गैंग आ गई ना एक बार कमेंट सेक्शन में, कोई बात नहीं। तो यहाँ पे ओम मुझे एक ऐसी वीडियो दिखा रहा है अपने बचपन की, चैनल मैं रिवील नहीं करूंगा, चैनल नहीं दिखाएंगे हम कौन सा था, लेकिन यूट्यूब पे ओम की एक वीडियो है, सच बता रहा हूँ 2 साल पुरानी है भले से, तुमने देख ली ना हंसते हंसते पागल हो जाओगे भाई, बंदे की ऐसी वीडियो है इसमें बिल्कुल बच्चा लग रहा है, जो छोटा सा बच्चा होता है। खैर अगर आपको मेरा बचपन नहीं देखना है तो आप भाई के ब्लॉग से देख सकते हो, वैसे विकास पांडे नहीं, उसमें छपरी निब्बा दिख रहा है ये, और हॉरर बना दिया है, VFX से भूत आया है उसमें भाई, मेरा तो लग रहा है मैं 1920 इविल टेल्स देख रहा हूँ भाई। भाई एक अगर आपने वो हॉरर मूवी देख ली ना मेरी, तो बेहोश हो जाओगे, सच बता रहा हूँ, देश छोड़ दोगे, तुम्हारा मोबाइल क्रैक हो जाएगा, मत देखना। ओम भाई चल रही है आइसक्रीम, फिर चल रही है गाइस आप भी खाओ, ये खिलाएगा आइसक्रीम। ये खिलाएगा गाइस, हम आइसक्रीम, हम देखो दिल के बहुत बड़े आदमी हैं, भले जेब हमारी खाली है, दिव्यांश से तो उम्मीद भी मत कर लेना, सही बता रहा हूँ, कोई दिव्यांश से टॉफी की भी उम्मीद मत करना कि टॉफी तो मेरे को मुश्किल से खिलाई देंगे, आप तो दूरी बात है, ना इसको ही नहीं मिलता कुछ। ठीक है मेरे निब्बा भाई, ना यार निब्बा निब्बा आया, निब्बी तो कोई है नहीं मेरे पे, निब्बा बोले जा रहे हो वैसे ही निब्बा यार तू। स्कूल की छुट्टी मार रहा है, अरे पता नहीं घर पे से किसकी है सलवार लेके आ गया है। अरे मेरा है यार, वो मेल सेक्शन से लिया है वो। अच्छा तो फीमेल का थोड़ी है वो, ट्रेन चल रहा पागल, ये उड़ के मेल में आ गया होगा तो तूने ले लिया। ये तेरी साइकिल पे बता सलवार बैठी।
छोड़ यार, बैठने में दिक्कत होती है, तुझे पता चला अगर गलती से भी चेन में अटका ना मैं नंगा हो जाऊंगा इस रोड में। तो गाइस व्यू देखो, क्या छत से व्यू दिख रहा है भाई, मतलब अलग ही व्यू है भाई, मजा ही आ गया देख के व्यू। यू कैन चेक द व्यू गाइस, कैसे हो सब? बढ़िया भाई, तुम बैकग्राउंड कितना मस्त आ रहा है तुम्हारे पीछे, अभी तुम्हें मैं वीडियो में दिखाऊंगा ठीक है, बहुत अच्छा लग रहा है बैकग्राउंड। ये बताओ, चलो मैं तो हल्द्वानी से जा रहा हूँ वापस घर, ये बताओ तुम लोग की ड्यूटी देके जा रहा हूँ मैं, तुम चारों को, तुम्हारे जितने क्लासमेट है सबसे चैनल सब्सक्राइब करवाओगे ठीक है, पक्की बात है? अच्छा, घर जाके मैं अभी दो शॉर्ट फिल्म रिलीज करूंगा बहुत अच्छी, वो VFX वाली है, तुम्हें पसंद आएंगी ठीक है, तो सबसे शेयर करवाना ठीक है। क्या कह रहे हो, क्या कह रहे हो विक्की भाई? भाई मैंने ना अभी लेग पीस खाया, हाँ, तो लेग पीस खत्म करने के बाद ना लेग पीस क्या कुछ ऐसी हो जाती है। अच्छा, तो कुछ लोग होते हैं जो उसको ऐसे छोड़ देते हैं। अच्छा, लेकिन हम इसको नहीं छोड़ते हैं। अच्छा, हम इसकी जो मुंडिया है ऊपर की और खाओगे? हाँ, ये मैंने भी ऐसे करके यहाँ रखते हैं, फिर इसके अंदर जो माल है मैं भी ऐसे खाता था। रोहित भाई पेट भर गया? अभी खाऊंगा। क्या खाओगे? खाना। कितनी बार खाओगे? खा तो लिया, तो यार अभी रात के बज रहे हैं लगभग एक, अभी एक बज रहा है रात का और मैं यहाँ होटल रूम में हूँ। एक्चुअली मैं आज घर जा रहा था, मैं हल्द्वानी छोड़ रहा हूँ, मतलब छोड़ चुका हूँ। मेरी गाड़ी में मेरा सामान भरा हुआ है, गाड़ी है पार्किंग में, तो मेरा सारा सामान गाड़ी में, एसी वेसी बेड वेड कैमरा बैग लाइट स्टैंड सब कुछ गाड़ी में आ गया। ये बहुत बड़ी बात है कि मैंने गाड़ी में रख लिया। तो हुआ ये, मैं जा रहा था घर, फिर मुझे मेरे प्यारे रोहित भाई ने बोला कि भाई बारिश हो रही है, मौसम ख़राब है, तुम हमारे साथ ही रुक जाओ, हम भी यहीं हल्द्वानी में रुक रहे हैं। तो भाई ने होटल रूम किया और उसमें हम सब रुके हुए हैं। तो आप देख रहे हो मेरे रोहित भाई का दिल कितना बड़ा है यार, मेरे भाई ने रिश्ते कमाए भी हैं, रिश्ते बनाए भी हैं, फॉलोअर्स भी कमाए हैं, फॉलोअर्स भी बनाए हैं। भाई के अंदर कोई ईगो एटीट्यूड नहीं है जो यहाँ पे बहुत सारे व्लॉगर्स में होता है, लोग थोड़ा सा स्टार समझते हैं, ऐसा नहीं है मेरा भाई, मेरा भाई बहुत डाउन टू अर्थ है, अंदर जमीन में सोता है। तो देखो मैं गाड़ी में भी सामान लेने भी आया था, तो मैं आपको दिखा रहा हूँ, देखो मेरी गाड़ी के अंदर कैसा सामान भरा हुआ है भाई, ये पूरा ये एसी वेसी सब, और गाड़ी की सीटें गिरा के मैंने सारा सामान रखा है, देख रहे हो दहेज, मतलब ये एसी आ गया भाई पूरा, मैं तो इससे हैरान हो गया। मैं अपनी गाड़ी को ना थार की तरह समझ रहा हूँ आजकल, थार की तरह, थार वार छोड़ो फॉर्च्यूनर की तरह समझ रहा हूँ भाई, मतलब मुझे पता नहीं था कि सारा सामान मेरी गाड़ी के अंदर आ जाएगा। इसमें मेरा बेड फोल्डिंग बेड आ गया, एसी आ गई, एसी का आउटडोर भी आ गया, मेरे 6 कपड़ों के बैग थे वो आ गए, मेरी बाल्टी स्टूल टेबल और बहुत सारा सामान है भाई, सब आ गया फिलहाल इसमें, लाइट्स लाइट स्टैंड। अब हो गई है सुबह, आप सभी को मेरा गुड मॉर्निंग। अब रात में तो व्लॉग में ऐसा क्या बनाता, हम लोग खा पी रहे थे, फिर उसके बाद हम लोग सो गए थे क्योंकि नींद बहुत आ रही थी, थक गए थे ना सब लोग। तो फिलहाल अब मैं जा रहा हूँ वापस सितारगंज, और आपको दिख सकता है मेरे गाड़ी में कितना दहेज भरा हुआ है, वो देखो एसी के डिब्बे से लेके कपड़ों के बैग वैग कैमरे वैमरे के बैग लाइट बैग सब कुछ। मैं भी जा रहा हूँ सितारगंज सारा सामान लेके, और अभी सामान को अपने घर पे भी ढोना है भाई, बड़ी मेहनत का काम है यार, छत तक ले जाना पड़ेगा इसे ऊपर वाली छत पे ना, तो कैसे ढोऊंगा ये मुझे भी नहीं पता भाई, बहुत चक्कर लगेंगे, मेहनत लगेगी, और मेरा छोटा भाई भी मेरी हेल्प नहीं करेगा इतनी मुझे पता है, थोड़ी बहुत कर देगा वो, बाकी देखते हैं अगर उसका मूड है दिल अच्छा हुआ तो कर देगा हेल्प अच्छे से। तो फिलहाल अब घर पहुंचते हैं और इस व्लॉग को यहाँ पे गाइस मैं एंड करता हूँ। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, अपना प्यार दें और प्लीज लाइक कमेंट शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें ठीक है, और अच्छे अच्छे व्लॉग्स आने वाले हैं, आएंगे थोड़े से, मैंने जो पेंडिंग रख रखे हैं ना, मतलब घूमूंगा फिरूंगा बनाऊंगा, कुछ आइडियाज हैं, तो फिलहाल सारे व्लॉग्स आएंगे ठीक है। तो अपना प्यार दो, लाइक करना कमेंट करना शेयर करना, बाय। उठ जाओ रोहित भाई, उठो रोहित भाई, उठ नहीं रहे यार तुम।